Hello student, welcome to my channel that is networking knowledge. बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कुछ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स बताओ. सो मैंने ये वीडियो उसी सिलसिले में डाला है. सो आज हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रैक्टिकल्स है उसके लिए जो यूज़ होता है सिमुलेटर, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. और पहले हम लोग इस सिमुलेटर को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर सारे के सारे प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके. सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. ये जो आपको सामने दिख रहा है दिस इज द पैकेट ट्रेसर टूल्स. तो आप लोगों को सबसे पहले अभी ये परेशानी होंगी कि ये टूल्स हम लोग कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें. सो नेट पे ये टूल्स अवेलेबल है. आप पैकेट ट्रेसर करके आप डालोगे नेट पे तो आपको वहाँ से इसके कई सारे डाउनलोड्स मिल जाएंगे, जिसमें से आपको लोअर वर्जन ये टूल्स आपको डाउनलोड करना है. 6.5, 7.2 या 7.3 आप ऐसा डाउनलोड कर सकते हो. जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके का एक स्क्रीन विजिबल होगा. अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टूल्स के बारे में. सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में और उसके बाद फिर एक एक प्रैक्टिकल हम लोग इसमें देखेंगे. सो ये टूल्स एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो टूल्स आपको दिख रहा है ये है इसका डैशबोर्ड और यहाँ पे हमें सारे के सारे जो हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे हमको यहाँ पे रखने पड़ते हैं. तो अब वो कंपोनेंट्स कहाँ मिलेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स हमको यहाँ दिख रहा है. जैसे कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंड डिवाइस दिखेंगे. यहाँ पे एंड डिवाइस में आपको सारे टूल्स मतलब सारे एंड डिवाइसेस दिखेंगे. जैसे कि ये आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपको नॉर्मल पीसी डेस्कटॉप वाला जो पीसी है वो दिख रहा है. उसके बाद आपको ये लैपटॉप दिख रहा है, आप यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपको सिमुलेटर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप लोग फिजिकली रियल टाइम में जैसे काम करते हो सेम सिनेरियो आपको ये प्रोवाइड करता है. और हम लोग इसको सारी चीजें अब एक एक करके देखेंगे. सो ये एंड डिवाइस है जिसमें आपका ये डेस्कटॉप है, उसके बाद लैपटॉप है, ये है आपका सर्वर मशीन. अगर आप यहाँ पे सर्वर मशीन लेना चाहते हैं, कोई सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप सर्वर मशीन बना सकते हो. ऐसे करके सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप एक एक करके सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे स्मार्टफोन भी दिया हुआ है, आप स्मार्टफोन का भी यूज कर सकते हो. तो ये सारे टूल्स जो एंड डिवाइस हम लोग जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे. अब इसके बाद जो कुछ आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे हमारे मेरे कुछ वीडियोज में आपने देखा है कि मैंने कई सारे नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपको बताया था. तो ये हो गया हमारा एंड डिवाइस. इसके बाद में हमारा जो दूसरा डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच. सो यहाँ पे आपको काफी सारे स्विच दिख रहे हैं. तो ये सारे स्विच मैनेजेबल स्विच है. मैनेजेबल स्विच क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया. अगर नहीं आपको पता है तो मेरे इस नेटवर्किंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत सारे इसमें कंसेप्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी. तो यहाँ पे स्विच दिया है, सारे मैनेजेबल स्विच है. ये सारे के सारे स्विच 24 पोर्ट्स के है. तो ये हमारा नेटवर्किंग डिवाइस का लेयर 2 डिवाइस है. उसके बाद जो लेयर 3 डिवाइस होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं राउटर्स. तो ये सारे राउटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. तो हमें ये सारी चीजें बहुत आगे चल के जब भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो ये सारी चीजें हमको काम में आने वाली. उसके बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं केबल्स. सो ये है सारे केबल्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. जैसे कि आप लोगों को केबल्स के बारे में पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल. द फर्स्ट वन इज द कोएक्सियल केबल, उसके बाद होता है स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल. तो ये सारे केबल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जिसे हम लोग ये नेटवर्किंग जो जितने भी डिवाइसेस है सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है. तो ये सारी चीजें है. अब जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल चलेगा आगे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा. आज हम लोग सिंपल सा एक नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर में एक स्विच और चार सिस्टम लेंगे और उसको हम लोग कैसे कॉन्फिगर करते हैं, कैसे कनेक्ट करती है, सारी बातें यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट अवर द फर्स्ट सेशन इन दिस पैकेट ट्रेसर के अंदर में हम लोग सारे डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले. नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंड डिवाइस पे जाएंगे और एंड डिवाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एक डेस्कटॉप मशीन आ गई मेरे पास में,
दूसरा मैंने एक लैपटॉप लिया है, ये लैपटॉप आ गया, फिर से मैं एक डेस्कटॉप मशीन ले रहा हूँ, ये डेस्कटॉप मशीन आ गई, और उसके बाद फिर ये लैपटॉप आ गया। ऐसे चार डिवाइसेस, ये चार एंड डिवाइसेस है, इनको मुझे अब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है। अब इनको जब एक दूसरे के साथ में हमें कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें जो नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसे हम लोग स्विच कहते हैं, वो लगता है। सो हम लोग यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे, और स्विच पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास में एक 24 पोर्ट का स्विच है, ये मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया। अब ये स्विच हो गए, सारे एंड डिवाइसेस हो गए। अब इन सारों को कनेक्ट करने के लिए मुझे केबल की जरूरत पड़ेगी। सो वो केबल्स हम लोग कहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो ये है हमारे पास में केबल्स। अब आपको पता है कि ये जो अनलाइक डिवाइस है, मतलब स्विच और ये जो सिस्टम है, ये अनलाइक डिवाइस है, तो इन्हें हमें अब क्या करना है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, आपको पता है कि जो अनलाइक डिवाइस होते हैं उसके लिए स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रेट केबल हमें कहाँ मिलेगा, ये है मेरा यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल। तो हम लोग इस केबल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस सिस्टम के ऊपर आने के बाद एक क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट दिखता है, इसको हमको क्लिक करना है, और इसको कनेक्ट करना है हमारे स्विच के 24 पोर्ट से। आप इसको पहले वाले पोर्ट पे कनेक्ट कर दो, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से केबल लेंगे, ये केबल को फिर से आप इस पे क्लिक करो, आपको फास्ट इथरनेट पोर्ट दिखेगा, यहाँ से आपको स्विच पे क्लिक करना है, स्विच का आपका फास्ट इथरनेट। अब फर्स्ट वाला हमने कनेक्ट कर दिया तो फर्स्ट वाला नहीं दिखेगा आपको, फिर सेकंड वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, सेम हम सारे सिस्टम को इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। सो ये मैंने एक एक करके सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया, आप भी इसी तरह सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। सो इस तरीके से हमने सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। अब ये तो सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो गए, अब इसके अंदर हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है। सो हम लोग अब इसमें एड्रेस कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, कैसे एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, अब वो देखते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी एक सिस्टम को आप डबल क्लिक करो, जैसे आप डबल क्लिक करते हो इस तरीके का आपका एक इंटरफेस ओपन होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे रहता है आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैटिक। सो हमें यहाँ पे एक स्टैटिक एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस ले रहा हूँ, 192.168.1.1, इसको मैंने 1.1 का एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। इसके बाद आप सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, क्लास सी का सबनेट मास्क आ जाएगा। डिफॉल्ट गेट पे और डीएनएस सर्वर हमें आगे जरूरत पड़ेंगी, तो अभी हम लोग इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया, इसके बाद आपको इसको क्रॉस कर देना है, मतलब इसको बंद कर देना है। उसके बाद वैसे ही आपको लैपटॉप पे डबल क्लिक करेंगे, लैपटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन जाना है, और यहाँ पे पहले वाला का आईपी एड्रेस हम लोगों ने 192.168.1.1 दिया था, इसको हम लोग 1.2 देंगे। सो 192.168.1.2, और सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया सबनेट मास्क, इसको भी हमें क्लोज कर देना है। थर्ड वाले सिस्टम पे जाएंगे, सेम इसी तरीके से हमें आईपी कॉन्फ़िगर यहाँ पे जाना है, 192.168.1.3, इसको हमने 3 दिया, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबनेट मास्क आ गया, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाले सिस्टम पे जाते हैं, थर्ड वाले सिस्टम पे जाने के बाद फिर से डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको आईपी एड्रेस दे रहे हैं 192.168.1.4, और उसके बाद सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे सिस्टम्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी। आप चाहो तो ये आईपी एड्रेस इसके नीचे लिख के रख सकते हो। लिख के रखने के लिए आपको क्या करना है, इस साइड में आना है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसका जो आईपी है वो आईपी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि ये वाला सिस्टम है, तो ये वाले सिस्टम को हम लोग क्या आईपी देंगे, सो ये वाले सिस्टम को हम लोग यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज 192.168.1.1। इस तरीके से आप ये सारे जो आईपीज है वो आप यहाँ पे हर एक सिस्टम को आप दे सकते हो। नाउ अब ये तो हमने सारे के सारे आईपी दे दिए, देखो इस तरीके से ये ग्रीन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सिस्टम से ये सिस्टम कनेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिंग कमांड का यूज करते हैं। तो पिंग कमांड का यूज कैसे करेंगे, इस पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, और ये आ गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको टाइप करना है पिंग
और दूसरे सिस्टम को हमको पिंग करना है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाले सिस्टम को पिंग करना चाहता हूँ तो 192.168.1.4 इसको मैं एंटर करूंगा तो इस तरीके से मुझे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से रिप्लाई आता है इसका मतलब आपका सिस्टम फोर्थ वाला इसके साथ में कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम लोग थर्ड को भी चेक कर लेते हैं, थर्ड को चेक किया थर्ड भी कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग फोर्थ सेकंड वाले को चेक करेंगे तो सेकंड वाले को चेक किया सेकंड वाला भी इसके साथ में कनेक्टेड है। अब ये तो रिप्लाई मिल रहा है, अब रिप्लाई उसके बाद जब जो सिस्टम कनेक्ट नहीं है उसका रिप्लाई कैसे आएगा, तो वो आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। अभी मैं अगर यहाँ पे 1.5 को पिंग करता हूँ जो सिस्टम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ तो देखो इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट का यहाँ पे सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सिमुलेटर है हमारे सामने दैट इज द पैकेट ट्रेसर, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल से सारे के सारे हम लोग इसमें परफॉर्म करने वाले। तो इस तरीके से आप भी इस प्रैक्टिकल को करके देखो। सबसे पहले आपको इस टूल्स को यूज करते आना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रैक्टिकल आगे बढ़ेगा मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताते जाऊंगा। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। ओके बाय बाय।